रांची के इस मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी धरना में बैठे हमारे सहायक पुलिसकर्मीगण, इस धरना को कवरेज देने के लिए तमाम मीडिया कर्मी बंधुओं, आप सभी को जोहार करते हैं, जय हिंद करते हैं। आज झारखंड राज्य का 24 साल होने को है, लेकिन मुझे आज भी, मैं बार बार हर एक गांव में जाता हूं और इन्हीं विषय को रखता हूं कि आज की युवा पीढ़ी 24 सालों में, यानी जिस समय झारखंड राज्य का अलग हो रहा था, अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया होगा तो आज वो 24 साल का हो चुका होगा और आज भी वो झारखंड की गलियों में, आज की वो गांव की पगडंडियों में एक ही सवाल करता है कि झारखंड राज्य बना ही क्यों था। आज भी मेरे भी जहन में है, आपके भी जहन में यही सवाल है कि आखिर झारखंड राज्य अलग बना ही क्यों था। अगर आज भी हमारे भाई लोग कोई 2 महीना से धरना पर बैठे, कोई सालों से धरना पर बैठे, कहीं कोई अपने माइंस को लेकर धरना पर बैठा है, कहीं कोई सहायक पुलिसकर्मी धरना पर बैठे हैं, कहीं आंगनबाड़ी की सेविका धरना पर बैठे हैं, कहीं और लोग धरना पर बैठे हैं, कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के बाहर धरना पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरना में बैठा है, तो आखिर ये राज्य बना किनके लिए और इस राज्य में खुशहाल चल कौन रहे हैं? अगर इस राज्य के तमाम नौजवान, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वयं सेवक हो, अगर हर लोग धरने के माध्यम से अपनी मांग को मान रहे हैं तो भाई ये राज्य बना क्यों है? तो आज मैं अपने संगठन की ओर से आप सबों के साथ हम लोग समर्थन में खड़े हैं और जितने भी हमारी भाई बहनगण सहायक पुलिसकर्मीगण है, बिल्कुल हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आज विगत 2 वर्षों से हम लोग झारखंड के जिन मुद्दों के साथ खड़ा होने की आवश्यकता पड़ी, हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। आज हमारे जितने भी साथी हैं, मेरी भी बात करें तो हम लोगों ने लगभग 13-14 FIR खाया है, जिनमें 353-307 के जैसे ऐसे धारे, अनगिनत धारे लगे हुए हैं, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया परिस्थितियों के साथ। आज आपके विषय से भी हम लोग परिचित हो रहे हैं और आपका विषय भी कहीं ना कहीं बड़ा खौफजदा विषय है। आज बड़ा दुर्भाग्य, मतलब आश्चर्यचकित लग रहा है कि आज आप 2017 में ज्वाइनिंग करते हैं और आज 7 साल 2024 में भी आपकी सैलरी 10,000 के 10,000 है, तो हमें लगता है ये बंधवा मजदूर से भी गया गुजरा स्थिति है। ये बड़ा विचित्र, मतलब ऐसा भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होगा, ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जिस देश को हम लोग लोकतांत्रिक देश मानते हैं, जो देश जनता का देश है, एक लोकतांत्रिक देश में कोई इंसान बंधवा मजदूर से भी गया गुजरे अवस्था में है। ये तो हमको सुन के ही बड़ा हम लोग का रूह कांप रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। अरे कोई अगर मजदूरी भी करता है तो साल दर साल उसका इंक्रीमेंट होता है, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आप 2017 में जिस सैलरी के साथ इस नौकरी को ज्वाइन करने का काम किए हैं, आज 7 साल बाद भी अपने आप को वहीं पाते हैं, ये बड़ा विचित्र बात है। तो आज मैं गठन हो रही नई सरकार से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं नई सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, आज जिस प्रकार आपने विशेष सदन बुलाया था, आज विशेष सदन बुलाया गया था, मैं चाहता हूं कि विशेष सदन यहां के युवाओं के जो समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए विशेष सदन चलाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को आज के इस धरना स्थल से, तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री साहब, आप 3 महीना जेल में थे, 4 महीना जो भी थे, आप सबकी आपके प्रति हमदर्दी रही है और आज आप जब जेल से बाहर आए तो 3 महीना आप जो राज की कुर्सी से उससे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ के देखिए, जो लोग 7 सालों से लगातार सेवा देने का काम किया है, लगातार गर्मी बरसात में अपने आप को समर्पित करने का काम किया है और आज भी अगर ये लोग उसी तरह के मामूली तनख्वाह में इतने रिक्शी जीवन यापन कर रहे हैं, रिक्शी सेवा दे रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ा हमें लगता है आज ये धरती बिरसा बाबा की धरती है, आज कहीं ना कहीं उनका जो, अगर उनकी आत्मा भी कहीं देख रही होगी, सुन रही होगी, तो मुझे लगता है आज वो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर होगी, चिंतित होगी कि बिरसा की धरती में बिरसा के बच्चों का ये हाल है कि आज उन्हें अपने घर से बाहर छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरना स्थल पर आना पड़ता है। अरे पुरुषों की तो छोड़िए, हमारी बहनों को भी रात्रि अवस्था में, पूरे कालखंड में आज ये बड़ा विचित्र बात है। इसलिए आज हम आशा करते हैं हम मुख्यमंत्री महोदय कि आपने घर से बाहर आए, आप देखिए कि झारखंड में घटित क्या हो रहा है, झारखंड में चल क्या रहा है, और फिलहाल आह्वान करेंगे कि जो सहायक पुलिस कर्मी है, इनकी सेवा किस प्रकार से आप अस्थाई करते हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि सहायक पुलिस कर्मी के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाए, नाम दिया जाए, लेकिन सेवा को अस्थाई किया जाए, इनकी जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए। देखिए ये जो मांगे हैं ये कोई विशेष मांग नहीं है, ना ये विशेष राज्य विशेष जिला का मांग कर रहे हैं, ये अपनी मजदूरी का हक मांग रहे हैं और हमें लगता है इन्हें इनका हक न्यायपूर्वक मिलना चाहिए। और आज
जितने भी हमारे सहायक कर्मी हैं, बंधुगण हैं, भाईगण हैं, बहनगण हैं, आप सभी को हम लोग कहना चाहेंगे कि जब भी आप लोग अगर इस धरने पर बैठे हैं, आप अपने आप को अकेला ना समझें, हमारा पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है और आपके साथ हम लोग कांधे से कांधे मिलाकर चलेंगे। चाहे जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा हो, चाहे आपके सहायक पुलिस कर्मियों का मुद्दा हो या स्वयंसेवक का मुद्दा हो, हमने हमेशा हर मुद्दों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं। सीजीएल की मुद्दे में अगर हम लोग नहीं खड़े होते, अगर हम लोग नहीं अगुवाई करते तो शायद ना एसआईटी का गठन होता, ना ही पता चलता कि 27 लाख रुपए लेकर पेपर लीक किए गए थे। तो नो डाउट हम लोग मुद्दों से कभी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन हाँ, हम लोग भी आप ही की तरह आपके ही समान है, आपके ही तरह आपके परिवेश से आने वाले नौजवान है। लेकिन हाँ, जो सही है, आज हम लोग उस आवाज को बनने का काम किए, इस राज में उस आवाज को देने का काम किए हैं, तो निश्चय ही जब भी हमें अवसर मिलेगा, बकायदा हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं, इस राज्य के राजधानी के तमाम सम्मानित मीडिया कर्मी उपस्थित थे, हमने पहला लाइन भी यही कहा कि जो धरने पर कई दिनों से बैठे हैं हमारे सहायक पुलिसकर्मी, उनकी समस्याओं का निदान मुख्यमंत्री बकायदा करें, क्योंकि हमें लगता है कि ना सहायक पुलिसकर्मी अब किसी पर विश्वास करने की उम्मीद में नहीं है, और ये स्वाभाविक है। मिथिलेश ठाकुर जी आके मिल के जा चुके हैं साल भर पहले, बंधु तिर्की जी इनसे आकर मिल के जा चुके हैं, वे बार बार आते हैं और यही बात को दोहराते हैं कि हम मुख्यमंत्री के दूत के रूप में आए हैं, और फाइनली क्या होता है ये सभी जानते हैं, आश्वासन दिया जाता है। और बड़ा दुख तो तब लगता है जब आईएएस लोग अपने लेटर हेड में हस्ताक्षर करके देते हैं, मांगों को समर्थन देते हैं, उसके बाद भी समस्या से निजात नहीं पाया जाना बड़ा दुर्भाग्य लगता है। इसलिए आप लोग धीरज रखें, क्योंकि झारखंड का निर्माण ही बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हुआ है, झारखंड का निर्माण ही एक बहुत बड़े लंबे संघर्ष और शोषण के बाद हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आप अपने धीरज में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और निश्चय ही ये देश कहीं ना कहीं गांधी का देश है, और याद रखिएगा गांधी ने एक लाठी के दम पर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा था, हमारे हौसले तो कम से कम उनकी लाठी से मजबूत होने चाहिए। और हम आशा करते हैं ऐसे भी आप सभी सहायक पुलिसकर्मी हैं, यानी सभी आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत लोग हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि ये जो परीक्षा आपकी ली जा रही है, इस परीक्षा में आप अव्वल होंगे, और परिस्थितियों के साथ समझौता ना करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखते हुए अधिकार है उसे लेने के लिए आप कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बाकी हम लोगों का समर्थन आपके साथ हमेशा रहा है, रहेगा हमेशा, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग कभी आपके समर्थन में पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात, हम लोग एज ए लीडर यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग आप भाई कहें, आपके साथी कहें, आपके मित्र कहें, हम लोग आपके भाई के रूप में आए हैं, आप उसी रूप में हमें स्वीकार करें। हम लोग लीडर के रूप में आपके साथ नहीं आए हैं, एक भाई के रूप में आए हैं, आप हमारे भाईगण हैं, आप हमारी बहनगण हैं, और हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं, भले आज राज्य में हम लोगों ने अपने मेहनत से एक पहचान बना लिया है, लोकसभा के चुनाव में एक अच्छा परिणाम पा लिया है, लेकिन हम भी आप ही की तरह एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले नौजवान ही है। हम लोग भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, रहा है ये और बात है कि हम लोग राजनीति में आ गए और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अलग विषय है, लेकिन हम लोग भी समझते हैं परिस्थितियों को, और विशेषकर जो डिफेंस लाइन की अगर बात आती है तो डिफेंस लाइन को भी हम लोग भली भांति समझते हैं कि कितना मेहनत के साथ, कितनी तकलीफ के साथ, उसमें कितने त्याग के साथ लोग डिफेंस की बहाली को क्लियर करते हैं। आज आप किसी भी राज्य में, चाहे देश में, अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से के अनुसार ही दिखता है, वो कभी नहीं कहेगा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो बड़े घर के बच्चे कहते होंगे, एकाध लोग कहते होंगे, लेकिन जो वास्तव में चीजों को समझते हैं ना, जो हकीकत से रूबरू हैं, वो यही कहते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे, जब स्कूल में हमारे कोई पत्रकार आते थे, जब हम लोग छठी क्लास में सातवीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोग भी पहला सपना यही कहते थे कि हम लोग आर्मी बनेंगे। तो ये स्वाभाविक है। हाँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मिडिल क्लास फैमिली के घर के बेटे और बेटियां हैं, उनको अपने सपनों को भी मालूम है कि उनकी उड़ान कहाँ तक है, उन्होंने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया है। और जहां तक डिफेंस की बात है, बहुत मेहनत के साथ लोग डिफेंस में आते हैं, तो मेरा मानना है कि हम लोग भी बहुत करीब से तैयारियों को किया है। हम लोग भी सुबह 4 बजे 5 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे, कई सालों तक हम लोग भी दौड़ लगाए हैं। और जहां तक डिफेंस की बहालियों का सवाल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हमारे गांव देहात में आज भी एक कहावत आज से 30-40 साल पहले कहे जाती थी कि झारखंड के जो बच्चे हैं वो दो ही कामों में नौकरी पा सकते हैं, या तो टनिया में दौड़ के, न तो मटिया फोड़ के। हमारे गांव में आज भी कहा जाता है, टनिया में दौड़ने का मतलब है हमारे जो पूर्वज नौकरी लेते थे वही हवलदार, चपरासी, दरोगा, पुलिस, वही हमारी हैसियत थी। देखिए, हमें अपने, हम मानते हैं हमारे सपने देखने का हक है,
हम अपने सपनों को आसमान तक देख सकते हैं, आसमान यानी किसी पायलट के रूप में देख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट का वहन करना पड़ता है। तो हमने अपने सपने हमेशा अपने बजट के अनुसार ही देखे हैं। और ये गाँव देहात में कहावत सही में आज भी चरितार्थ है कि झारखंड में गिदार दुए चीजें नौकरियां करवा। आज से 30-40 साल पहले कहावत थी कि मटिया कोड़ के न तो टणिया दौड़ के। मटिया कोड़ने का मतलब है कि हमारे उधर माइंस का एरिया है, जो हमारे पूर्वज उस समय मिट्टी काटने के लिए गया था, उनको बीसीसीएल में सरकारी नौकरी लग गया था और चपरासी पुलिस की बहाली को क्लियर करते थे आज से 30-40 साल पहले। तो आज हम लोग समझते हैं, हम झारखंड के मर्म को समझते हैं। आज भी जो डिफेंस लाइन की नौकरियां ली जाती है, बड़ा मानसिक शारीरिक पड़तरना के बाद लिया जाता है और उस दौर में लिया जाता है जब परिवार की स्थिति अति सामान्य होती है, एक साधारण सा किसान का बैकग्राउंड होता है। तो हम आपके दुख में आपके साथ हैं और हम लोग आज कहीं ना कहीं आज अगर यहाँ तक आए हैं तो झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं, झारखंड के मुद्दों पर बेबाक बात रखने के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहें, हम लोग एक लीडर के रूप में नहीं, आपके भाई के रूप में आए हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, आज हमारे जितने भी साथी हैं रांची जिला के, चूंकि हमारा घर धनबाद जिला पड़ता है, यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, स्वाभाविक है जब अगर कोई सूचना हम तक जाएगी तो आते आते समय लग जाएगा। लेकिन रांची जिला में जो हमारी कमेटी गठन हुई है, हम लोग उनसे कह के जाएंगे, उन्हें हिदायत दे के जाएंगे कि आपका जो भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में बकायदा हमारा पूरा संगठन आपके साथ शरीक रहेगा, आपके समर्थन में, आपके सहयोग में, हमारी हैसियत के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार जो भी बनेगा, जो भी पड़ेगा, हमारे साथी आपके साथ लटके रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अपने आप को अकेला ना माने। ऐसे भी लोग जब संघर्ष करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि संघर्ष वही लोग करते हैं जो अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत बलवान पाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई जाया नहीं जाएगी। संघर्ष से झारखंड बना है, संघर्ष से हमें झारखंड मिला है, संघर्ष से हमें अधिकार मिलेगा। आप संघर्ष का दामन ना छोड़े, हम आप लोगों के संघर्ष के साथी बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप लोगों के साथ हर स्तर से नैतिक ही नहीं, हम लोग शारीरिक समर्थन यानी शरीर लेकर आपके आंदोलन में, आपके धरनों में, अगर आप कल इसको मशाल जुलूस का रूप देते हैं, रोड मार्च का रूप देते हैं, भूख हड़ताल का रूप देते हैं, तो जरूर हम लोग नैतिकता के आधार पर ही नहीं, शारीरिक आपके साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। और ये आप इस बात को आपको हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग भाषण के लिए नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि किसी दो बात हमें रखने का अवसर दिया गया तो हमने अपनी बातों को रखा। हम तुम्हें आपसे यही कहेंगे और पुनः अगर राज्य सरकार के लोग सुने, आपके चैनल को बड़े वाच करते हैं और खासकर जरा महतो को तो बहुत गंभीरता से वाच करते हैं, बाकायदा राज्य के नहीं पड़ोसी राज्य के भी मुख्यमंत्री लोग वाच करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री, और ऐसे भी उनका जो स्लोगन था कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, ये हम ही लोग का स्लोगन था, तो जाहिर सी बात है हम लोग वीडियो को देखते हैं तो देखते हैं, तो आपसे यही कहेंगे। देखिए आपके प्रति हमारी सहानुभूति उस समय थी जब आप जेल के भीतर थे कि कहीं ना कहीं आप एक झारखंड की पृष्ठभूमि के नेता हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर राज्य के युवाओं की सहानुभूति आपके ऊपर थी तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी सहानुभूति इन भाइयों के ऊपर, इन बहनों के ऊपर बने। आप देख सकते हैं अगर यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, अगर आपको लगता है यहाँ का तापमान, यहाँ के तापमान में गर्मी ज्यादा है, तब इसी कमरे में बैठकर अपने मोबाइल को चलाकर देख सकते हैं। मीडिया वाले विजुअल को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार बहन लोग अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर आई है, इनके चेहरे पर जो सिकन है ये साफ दिखाई दे रहा है, इनके माथे की जो लकीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही है, साफ झलक रही है कि आज ये किस दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, विपक्ष में बैठे लोग हैं, यानी जो विधानसभा के अंग हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा, उन तक अपनी आवाज संप्रेषित करना चाहूंगा कि आप लोग उस एसी के कमरे से बाहर आएं, इन बहनों के साथ, इन भाइयों के साथ बैठें, क्योंकि कहा गया है बात से बात बनती है, बातचीत से समस्या का हल निकलता है। आप लोग बातचीत के लिए आगे आए और इनकी समस्याओं का निदान करें, क्योंकि हमें बड़ा दुख लगा। हमने एक पोस्टर भी देखा, किसी भाई ने लिखा था हमें नक्सली बनने के लिए मजबूर ना किया जाए, ये बड़ा दुख लगता है। इस राज्य में, इस राज्य के लोग, 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य, तमाम उद्योग से संचालित होने वाला राज्य, इस का जगमग होने वाला राज्य, यहाँ के यूरेनियम से और यहाँ के गैस से पूरे कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाला राज्य, अगर वहाँ के युवा हताशा में भरकर कुंठित होकर अगर इस प्रकार से मतलब अपना वक्तव्य देते हैं कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए, तो हमें नहीं लगता इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या होगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि नौजवान, ये नौजवान जो इसी राज्य के भविष्य हैं, जिनके कंधों पर इस राज्य की सुरक्षा टिकी है, जो और बकायदा इन्होंने अभी तक
बहुत ही मेहनत के साथ और मजबूती के साथ इस राज्य की सुरक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, और अगर वे लोग कुंठित होकर अपने मनोभाव से ग्रसित होकर अगर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो सिस्टम दोषी है जिस सिस्टम के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ उस हालात को ठीक किया जाए, उस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, और जो हमारे सहायक पुलिसकर्मी हैं इनकी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि ये धरना जो आज शांतिपूर्ण तरीके से गांधी के देश में गांधी के रास्ते पे चलकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये उग्र रूप लेने का काम करे। ये हम नहीं चाहते हैं, इस राज्य की मर्यादा बनी रहे, इस राज्य की सामंजस्य बनी रहे। हम ये चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि जो हुक्मरान बैठे हैं हमें उनसे अपेक्षा रखते हैं कि इनकी समस्याओं का वे निदान करेंगे। बाकी जितने भी हमारे भाईगण हमारी बहनगण हैं, बिल्कुल आपके हम भाई हैं, भाई स्वरूप ही हैं, और बिल्कुल हमें लगता है कि आपके हम लोग कोई लीडर नहीं है आपके लिए, आपके उम्र के हैं, आपके हम उम्र के हैं, और शायद अगर हम लोग अगर इस लाइन में नहीं आ रहे आते आए होते तो शायद आपके बीच हम लोग भी जवान या फिर पुलिस वही हम लोग का प्राथमिकता होता, और मेरा तो खुद होता, ताकि हम लोग भी इसी रांची में कई बार जब आर्मी की दौड़ में आए थे तो बस एक मामूली बात के लिए हमें डांट के हटा दिया गया था, हाथ में हम सचिन का नाम लिख दिए थे, कौन जानता था। तो ऐसा नहीं, हम लोग आपको भली भांति जानते, डिफेंस को खासकर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेरी भी प्राथमिकता डिफेंस ही रही है। इसी मैदान में हम लोग 2012 में जब इंटर करने के बाद SRR की परीक्षा जो नेवी की होती है देने के लिए आए थे, मेडिकल में बाहर होकर चले गए थे। इसी रांची के मैदान में हम लोग आर्मी की दौड़ में आए थे, जहां हमारे हाथ में गोदना था, द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड, क्रिकेट का जुनून ही अलग था। तो हम लोग आपकी पीड़ा को समझते हैं, आपकी पीड़ा आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं थी, आपने बताया, उसके पहले हम लोग समझ चुके थे कि आपकी पीड़ा है क्या, क्योंकि डिफेंस जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके परिवार से भी हम परिचित हैं, वो किस परिवार के बच्चे होते हैं, किस परिवार से उनका ताल्लुकात होता है, किन परिस्थितियों में वो यहाँ तक आते हैं। यही नहीं, धनबाद जिले में भी जो होमगार्ड के अभ्यर्थी 19 से आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग तो कई बार देखे कि आत्मदाह के लिए भी उपायुक्त को लेटर लिखे थे कि हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। आप सोच सकते हैं कितना मार्मिक दृश्य होगा कि नौजवान जो अभी कुंवारे हैं, घर सजाना चाहिए था, जिनको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहिए था, वे नौजवान व्यवस्था में कह रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह यानी आग से अपने आप को सार्वजनिक तौर पर सामूहिक रूप से जला देंगे। सोच सकते हैं कि कितना मतलब इस सिस्टम में कितने करप्टेड लोग जाकर बैठे हैं, कितने मतलब उदासीन लोग जाकर बैठे हैं, जिनको सिस्टम से बाहर, अपने परिवार से बाहर झांक कर देखने का अवसर तक नहीं मिल रहा है। ये हमें बड़ा खेद के साथ और बड़े मार्मिक स्वर के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हमें आस्था है, हमें आस्था है इस राज्य में, हमें आस्था है आपके संघर्ष में, हमें आस्था है तमाम मीडिया कर्मी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जाने जाते हैं, हमें आप पे पूर्ण आस्था है कि आप इनके मुद्दों को गौण नहीं होने देंगे, आप इनकी आवाज को मौन नहीं होने देंगे, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इस राज्य की आओ हवा में इनके मुद्दे गर्मजोशी के साथ बहते रहेंगे। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आए हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी के भाईगण बहनगण यहाँ धरना पर बैठे हैं, इनके मुद्दों को आप लोग गौण नहीं होने देंगे और इनकी आवाज को आप लोग मौन नहीं होने देंगे। ये हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, ये आपसे हम लोग गुजारिश करते हैं। पुनः आपके साथ हमारी पूरी रांची की टीम, जो भी हमारे साथी हैं, उनसे हम लोग बकायदा जब रांची से हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर, उन्हें हम लोग कह के जाएंगे कि दिन में जरूर एक बार आकर आपकी सुधी लें कि आपके साथ क्या स्थिति है, और अगर हमारी हैसियत के अनुसार, क्योंकि हम लोग भी बड़े कोई 30 मार्खा है नहीं, एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, भले हम लोग चुनाव लड़के लाखों वोट ले आए हैं, लेकिन जनता के चंदे से लाए हैं हम लोग, कोई सिस्मार खा कोई बड़े परिवार से नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर हमारी हैसियत से आपके सहयोग के लिए अगर किसी तरह का करना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग इस बात के लिए आपको आश्वासन देते हैं, और निश्चय जब भी आंदोलन के माध्यम से हमारी जरूरत हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारा पूरा संगठन हमारा पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, और हम लोग कोई अलग नहीं है, आपके साथी हैं, आपके भाई हैं, आपके हित कुटुंब हैं, आपके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं, आप हमेशा हम लोग अपने साथ पाएंगे, या तो शारीरिक रूप से, या तो नैतिक समर्थन के रूप में, या विचारधारा के समर्थन के रूप में, आप लोग हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। और साथ ही अंत में यही कहेंगे, हौसलों को हारने की आवश्यकता नहीं है, ये राज्य हमें 2 दिन में नहीं मिला है, सालों के संघर्ष के बाद ये राज्य मिला है। भारत देश 2 दिन में आजाद नहीं हुआ है, सालों के संघर्ष के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है। आपका अधिकार
एक दिन जरूर मिलेगा, एक दिन में ना सही एक दिन आपका अधिकार जरूर मिलेगा। आप अपने संघर्ष से समझौता ना करें, आप परिस्थितियों से समझौता ना करें, अपने हालात से समझौता ना करें। हालात और परिस्थिति चाहे कुछ भी रहे, आप मजबूती के साथ उसका मुकाबला करें। हमें पूर्ण आशा है आपकी विजय होगी, आपका हक अधिकार आपको जरूर मिलेगा और उसके लिए हम लोग कभी जो भी करना पड़े हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पुनः अपनी बातों को हम लोग विराम देंगे और आप सभी का अभिनंदन, आप सबों को जोहार करेंगे। जय हिंद। और आपकी मांगे पूरी हो इसके लिए हम लोग भी चरणबद्ध तरीके से आपके जो आंदोलन होंगे उनमें हमारी भूमिका रहेगी, हमारी भागीदारी रहेगी। पुनः सभी को जोहार।